नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इंडियन टेप में। दोस्तों मैं आपके सामने फिर पेश हो गया एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों आज दोस्तों हम और आप मिलकर बनाएंगे इंडियन टेस्ट की रसोई में दोस्तों सेब की खीर। जी हाँ दोस्तों, एप्पल की खीर बनाना चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई चढ़ा देंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग लगभग 1 लीटर क्रीम दूध डाल देंगे, ठीक है, और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ये उबलता रहेगा, इसे लगभग हम लोग 1 लीटर दूध को लगभग 750 ml तक ले हम लोग उबालना है इसे, ठीक है। और ये देखिए मैंने लगभग 500 ग्राम एप्पल ले लिए हैं, बिल्कुल रेड वाले लेने हैं, क्योंकि आप ग्रीन वाले लीजिए तो ज़्यादा खट्टे होते हैं और जिससे दूध फट सकता है आपका। इस चलते प्रयास कीजिएगा बिल्कुल रेड वाले एप्पल लेने के लिए, और बिल्कुल जो कहीं से सड़ा गला ना हो, ठीक है। उसके बाद इसके सारे छिलके हम लोग उतार लेंगे इस प्रकार से, देखिए, ठीक है। सारे छिलके उतार देने के बाद में फिर इसके छिलके का हम लोग साइड कर देंगे, और फिर उसके बाद फिर हम लोग एक चॉपर लेकर के इसे हम लोग बिल्कुल चॉप कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। देखिए इस प्रकार से हम लोग इसे की सहायता से हम लोग छोटे छोटे बिल्कुल एकदम घिस लेंगे इसमें, ठीक है। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, सारे एप्पल को हमने घिस लिया है, ठीक है, और इसके बीच वाले भाग जो रहते हैं इसे नहीं घिसना है, इसे हम लोग साइड कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसे हम लोग साइड कर दिया है, और कुछ लगे हुए हैं इसमें, इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो सारे एप्पल हमारे क्रश हो चुके हैं, देख सकते हैं। अब चलिए इसे हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं, और दूध में भी देख सकते हैं लगातार उबाल आ रहा है, इसे बीच बीच में लगातार इसे चलाते हुए हम लोग इस प्रकार से चलाते रहेंगे, और लगभग 750 ml तक इसे हम लोग उबालते रहेंगे। और इसमें थोड़ा सा इसके स्वाद को और इन्हेंस करने के लिए केसर के रेशे डाल देंगे और हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे, ताकि इसका स्वाद इन्हेंस हो जाएगा। तो जब तक ये उबल रहा है दोस्तों, तब तक हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लगातार चलाते रहेंगे बीच बीच में हम लोग। चलिए दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि ये मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा लिया है, और जब गर्म हो जाए तब इसमें हम लोग 1 चम्मच गाय का घी डाल देंगे, और इसमें जो घिस करके हमने रखे हैं सेब, वे सारे सेब को हम लोग इसमें डाल देंगे, और इसे लगातार हम लोग चलाते हुए मीडियम फ्लेम में भूनते रहेंगे जब तक इसका ड्राई नहीं हो जाता है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद देखिएगा इसका जो पानी जो रहता है सारा सूख जाएगा, और इसका कलर भी हल्का चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें अपने मन पसंदीदा आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने बादाम और काजू लिया है, ठीक है, आप इसे कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। दोस्तों ये रेसिपी इतनी अच्छी लगती है कि आप एक बार ज़रूर बनाएगा, इसे बार बार खाने का मन करेगा आपको, और इसे आप चाहे तो व्रत में ही बना सकते हैं। अभी नवरात्र का समय आ रहा है, नवरात्र में उपवास के दौरान भी आप इसे बना सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि अब ये भी भुन चुका है। उसके बाद फिर हम लोग स्वाद के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चीनी डाल देंगे। ध्यान रखिएगा चीनी, क्योंकि सेब ऑलरेडी मीठा होता है, इस चलते चीनी का यूज अपने हिसाब से कीजिएगा। और इसे भी लगातार चलाते हुए हम लोग इसके कलर चेंज होने तक लिए बिल्कुल हम लोग इसी प्रकार से भून लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि अब ये बिल्कुल भुन चुका है, ठीक है, और ये पक भी चुका है, अब बिल्कुल से ये हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम लोग दूध देख लेते हैं कि दूध हमारा कितना उबल रहा है अभी तक लिए। तो चलिए दोस्तों, ये तैयार हो गया, इसे हम लोग साइड कर देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, देख सकते हैं, जैसा कि अब इसमें लगभग 750 ml तक दूध रह गया। अब जब इसमें उबाल आ जाएगा दूध में, उस वक्त हम लोग इसमें मिल्क मेड डाल देंगे 1 चम्मच, ताकि इसका स्वाद बिल्कुल इन्हेंस हो जाएगा। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो आप मावा का भी यूज कर सकते हैं, फ्रेश मलाई का भी यूज कर सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी मिक्स हो गया, देख सकते हैं, जैसा कि अब इसमें हम लोग जब उबाल आता रहेगा उसी समय हम लोग इसमें एप्पल के मिश्रण को हम लोग इसमें डाल देंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा उबाल बिल्कुल आता रहेगा, नहीं तो ये दूध आपका फट जाएगा। इसी चलते लगातार उबाल आता रहे उसी समय इसको आपको डालना है, और इसे लगातार थोड़ी देर के लिए लगातार बिल्कुल चलाते रहना है, ठीक है। थोड़ी देर में देखिएगा ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, आपकी एप्पल की खीर की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। अब लास्ट में हम लोग इसमें किशमिश डालेंगे, किशमिश पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि किशमिश भी हल्का खट्टा होता है जिससे दूध फट सकता है, ठीक है, इसे भी हम लोग लास्ट में डालेंगे। तो ये हमारा
रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गया सर्व करने के लिए दोस्तों, तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। और अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कॉमेंट करें और दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी प्रकार से मिलते रहेंगे नए नए रेसिपी के साथ में दोस्तों। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और इसी प्रकार से स्वस्थ रहिए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए नमस्कार।